हाँ जी, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जागरण की वीडियो हम लोग शूट मैं एडिट करके डाल रही हूँ आजकल, तो यहाँ पे माता का दरबार लग चुका था। इससे पहला का जो वीडियो है, दरबार लगाते हुए जागरण वाले पहुँचे थे, जोत बनिया देवी से आई थी, तो वो सारा मैं दूसरे चैनल पे शेयर करूँगी शाम के टाइम। तो यहाँ पे अभी हम जो वीडियो आप देखेंगे आप लोग, वो है जब मतलब घर वालों से माता की पूजा करवाते हैं और पूजन करवाते हैं, शुरू में किस तरह से क्या करते हैं पूरे घर वाले, वो वाली चीज़ मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आज आप लोगों के साथ। पूरा वीडियो देखिएगा किस तरह से क्या होती हैं, जो एक पूरा प्रोसीजर होता है मतलब। तो यहाँ पे सारे गांव के लोग बैठे थे, और इससे पहले की क्लिप्स भी हैं वो दूसरे चैनल पे दिखेंगी आपको। और हाँ, कुछ लोग पूछ रहे थे कि कमलेश दीदी कहाँ हैं, तो कमलेश दीदी आउट ऑफ किचन थी, वो नहीं जाने थे अंदर। और बाकी और भी पूछ रहे, हाँ कि जब वो मंत्री जी आए थे तो हनी के पापा कहाँ थे, मेरे हस्बैंड, तो वो ना जोत लाने गए थे बनिया देवी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे सारे लोगों को, यही थे हमारे परिवार के, इतने थे यहाँ पे। जेठ जी हैं, छोटे जेठ जी हमारे, और देवर जी थे, बाकी बड़ी दीदी भी यहीं पे थी, रिशु है, सभी हैं, रवि नहीं आया हुआ था, देशु भी था, दविंदर नहीं था यहाँ पे। देशु और बड़ी दीदी ना पार्ले वाले घर में गए थे, तो वो आने वाले हैं वो भी। तो किस तरह से पूरे परिवार से पूजा करवाते हैं वो आप लोग इसमें देखोगे, बहुत मज़ा आया। बहुत माता रानी आप सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ दे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, और ये देखो हम चारों इस तरह से कुछ लग रहे थे। अच्छा, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगी, शाम के टाइम भी आपको बहुत कुछ पता लगेगा, तो आप शाम के टाइम वाला वीडियो भी मिस मत कीजिएगा। और आज जो कुछ भी है आप लोगों की वजह से, ओ देखो भाभी और अम्मा आ रहे हैं, कुछ लोग पूछ रहे थे भाभी नहीं आई, तो भाभी और अम्मा आ रहे हैं। तो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि आप दोनों पे माता रानी का नूर था, बहुत अच्छा लगा सुन के, और सच्ची में मुझे बहुत खुशी हुई थी। कितने सालों की इच्छा थी मेरी कि माता रानी मेरे घर पे आए, मैं जागरण करूं। तो मतलब आप समझ सकते हैं, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस टाइम मैं आप लोगों के बारे में सोच रही थी। मैं माता रानी को देख रही थी और मैं आप लोगों के बारे में सोच रही थी कि मतलब आपने मेरा हमेशा साथ साथ दिया है, बहुत सपोर्ट किया है मुझे। और यहाँ मैं कैमरे की तरफ भी देख रही थी, तो हनी के पापा ना थोड़ा काम से इधर उधर भी चले जाते, बीच बीच में आप खुद नहीं दिखते, क्योंकि हम दो ही हैं ना, तो एक को तो संभालना पड़ता है। कोई मेहमान आ रहे हैं, किसी को कुछ देना है, कुछ करना है, तो एक निकल जाता था यहाँ से कहीं भी। और ये देखिए हम चारों को चुन्नियाँ बांध दी हैं यहाँ पे और तिलक लगा रहे हैं। तो हमें ये जो जागरण में हमने कपड़े पहने, ये हमारे को ना गिफ्ट में आए थे स्पेशल जागरण के लिए, वो मैं आपको शाम के टाइम बताऊंगी, या फिर लास्ट में मैं बताऊंगी वो चीज़ें, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो आप लोग देखिएगा कि किस तरह से, बहुत अच्छी तरह जागरण वाले भैया बहुत अच्छे थे। मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, किसी कुछ बुलाने अगर जागरण करवाने, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छा जागरण किया इन्होंने। तो चलिए आप एंजॉय कीजिए एक प्यारी सी धुन के साथ पूजा माता की।
बोलिए सच्चे दरबार की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नम् कुरु मे देहि सर्व कार्य सुसंवदा। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो। पद्मे गुराज को वंदना सिमरा शारदा मेरे कार्य करो जकार शेरवाली का बहुत सच्चे दरबार की। तो आइए माँ माई के पावन ज्योति को परिवार वाले जगाने जा रहे हैं, तो सभी भक्तों से निवेदन रहेगा तो बड़े प्रेम के साथ अपने हजरे से हमारे के चरणों में लगाइएगा। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सच्चे दरबार की। Thank you.
सभी भक्तजनों से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं।